में जाके आपको सर्च करना है फिल्मोरा, फिल्मोरा सर्च करना है और उसके बाद आपके सामने जो फास्ट लिंक आएगा फिल्मोरा का जो कि है www.wondershare.net/filmora, ये लिंक पे आपको जाना है। जाने के बाद आपके सामने एक फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस साइट का लिंक मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप चाहे तो उस लिंक को क्लिक करके भी इस डायरेक्टली इस साइट पे पहुंच सकते हैं। तो यहां से आपको फिल्मोरा को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। फिलहाल तो मेरा फिल्मोरा डाउनलोड ही है और इंस्टॉल ही है, तो मैं फिल्मोरा को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये फिल्मोरा ओपन हो रहा है, तो फिल्मोरा ओपन होने के पहले आपके सामने एक टैब आएगा जो कि है ये, तो आपको यहाँ पर से जाना है फुल फीचर मोड पे। तो हम चलते हैं फुल फीचर मोड पे। फुल फीचर मोड के पे जाने के बाद आपके सामने फिल्मोरा का इंटरफेस आ जाएगा और अभी आपको ऊपर यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं जाना है, आपको यहाँ से रजिस्टर नहीं करना है। और नीचे अगर आपको दिखाऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये फिल्मोरा जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये रजिस्टर्ड नहीं है, मैं आपके सामने ही इसे रजिस्टर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फिल्मोरा को रजिस्टर करने से पहले आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन को पूरे तरीके से डिसेबल रखना होगा। अगर आप वाईफाई से चलाते हो तो वाईफाई को बंद कर दीजिए, नेट कनेक्शन को ऑफ कर दीजिए। तो मेरा तो ब्रॉडबैंड है तो मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ ताकि ये ऑनलाइन नहीं रह पाए, तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। और इसको अगर डिसेबल आपने नहीं किया और उससे पहले ही आप रजिस्टर करना चाहा तो ये रजिस्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेट कनेक्शन बंद करना है। अभी आपको एक वीडियो को इंपोर्ट करना है, अपना कोई भी वीडियो हो या सॉन्ग हो यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट में क्लिक कर देता है देना है और उसके बाद आपको जाना है इंपोर्ट मीडिया फाइल्स। और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर कोई भी गाना है या फिर कोई भी वीडियो है तो आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद आपको इसको टाइमलाइन में लाना है। टाइमलाइन में लाने आप कैसे ला सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको टाइमलाइन में लाना है। तो आपको यहाँ पर टाइमलाइन में लाने के लिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना होगा। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको जाना होगा एक्सपोर्ट ऑप्शन पे। तो हम चलते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन पे। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको फिल्मोरा रजिस्टर मांगेंगे, मतलब कि आपका फिल्मोरा चाहते हैं कि आप रजिस्टर करें इस पे। तो आपको दोनों टाइप के डिफरेंस दिया हुआ है। ट्रायल वर्जन में अगर आप कोई वीडियो को एडिट करते हैं, उसे रेंडर करते हैं, तो पूरा स्क्रीन लेकर एक वाटरमार्क आएगा जहाँ पर लिखा होगा फिल्मोरा, तो आपका वीडियो का क्वालिटी नष्ट हो जाएगा। अगर आपका रजिस्टर्ड वर्जन है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको रजिस्टर्ड वर्जन में और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी मिलते हैं। अभी आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं, बाय नाउ, फ्री ट्रायल और रजिस्टर। आपको फ्री ट्रायल और बाय नाउ में नहीं जाना है, आपको सिंपली जाना है रजिस्टर ऑप्शन पे। रजिस्टर ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने लाइसेंस ईमेल और रजिस्ट्रेशन कोड मांगेंगे फिल्मोरा। तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लाइसेंस्ड ईमेल और रजिस्ट्रेशन कोड दे दूंगा, 6 लाइसेंस्ड ईमेल और 6 रजिस्ट्रेशन कोड दूंगा। आप उसे आप कॉपी कर लीजिए और अपना नोटपैड में सेव कर लीजिए और जब चाहे फिल्मोरा को एक्टिवेट कर लीजिए। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन कोड है वो मैं यहाँ पर सेव करके रखा हूँ, तो चलिए हम उसे ओपन कर लेते हैं। यह है उस कोड, वो सभी रजिस्ट्रेशन कोड और ईमेल आईडी। तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं और इसे एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर कोई सा भी आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आप जिस ये लाइसेंस ईमेल आईडी को लेंगे उसी की रजिस्ट्रेशन कोड को आपको यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए मैं पहले वाला ही ले लेता हूँ, तो पहले वाला को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और उसके बाद मैं करता हूँ इसका रजिस्ट्रेशन कोड को कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अभी मैं इसको रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ गया है, वंडरशेयर फिल्मोरा हैज़ बीन रजिस्टर्ड। तो ये रजिस्टर अभी पूरे तरीके से हो चुका है। अभी रजिस्टर होने के बाद पहले मैं आपको दिखाया था यहाँ पर अनरजिस्टर्ड लिखा आ रहा था, लेकिन अभी ये अनरजिस्टर्ड लिखा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अभी लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर हो चुका है। तो मैं आपको
दोबारा से बता दूँ, यहाँ से आपको ऊपर आपको यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन से इसे रजिस्टर नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपका फिल्मोरा ठीक तरीके से रजिस्टर नहीं हो पाएगा और आपको रजिस्टर पे क्लिक करने से पहले आपका इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ करना है। ये एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ करके इसे रजिस्टर करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी फिल्मोरा को यूज़ करते हैं, जब भी आप फिल्मोरा को ओपन करते हैं, उससे पहले आप मेरा रिकमेंडेशन यही होगा अपना नेट कनेक्शन को ऑफ ही रखें, क्योंकि अगर ये एक बार ऑनलाइन प्रोसेस में आ गया तो ये ऑटोमेटिकली अपना आपका रजिस्ट्रेशन कोड और ईमेल आईडी लाइसेंस ईमेल आईडी बैन हो जाएगा। तो आपको फिर से दोबारा से इसी प्रोसेस लेकर आपको फिर से रजिस्टर करना होगा। तो ये आप ध्यान में रखिए, जब भी आप फिल्मोरा को ओपन करेंगे उससे पहले आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ करना है। आप वीडियो को एडिट करने के बाद, रेंडर करने के बाद फिर से उसे इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी सभी दोस्तों के साथ और नीचे कॉमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी सवाल हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी